Hey, what's up, guys? Good morning. तो मेरे पास बहुत सारे DMs आए थे एंड मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी DMs में लोगों ने ये पूछा था कि हस्की है हमारे पास या तो फिर किसी के पास गोल्डन रिट्रीवर्स है या फिर ऐसे काफ़ी सारे डॉग्स हैं जिनके फर एंड हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उनको क्वालिटी वाइज मेंटेन करना, उनका फर अच्छे कैसे करना या ग्रोथ कैसे बढ़ाना फर का, तो उस टॉपिक पे हम आ जाएंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेशली अगर आपके पास हस्की है तो उसको रोज़ कोमिंग करना बहुत कंपलसरी है, उसका डबल कोटिंग होता है एंड स्पेशली शेडिंग टाइम जब आएगा तब आपको बहुत ज़्यादा इशू होगा क्योंकि बहुत हैवी शेडर्स होते हैं। ये दोनों की हालत देखो, पागल हो गए सुबह सुबह, ये देखो, क्योंकि चैम्प टेबल के ऊपर चढ़ नहीं पाता है तो वो गोल घूमता है और हस्की हमेशा उसका दौड़ना रोक देता है क्योंकि वो शॉर्टकट मारता है। तो गाइस, मैं अभी अभी सब किसी को बोलता नहीं हूँ तो आपको ये सब्सक्राइब करते नहीं हूँ, स्टार्टिंग में बोलता ही नहीं हूँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। ऑल्सो गाइस, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बाकी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिडन मीन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, अगर रेगुलर लाइव देखना चाहते हैं उनको तो हिडन मीन लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर स्पेशली हस्की है या तो ऐसा कोई फरी ज़्यादा एनिमल्स है तो दिन में हर रोज़ एटलीस्ट एक बार ब्रशिंग कोमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे उनके सारे जो शेडेड हेयर्स हैं या डेड हेयर्स हैं वो सारे निकल जाएंगे और बाकी की क्वालिटी को डैमेज भी नहीं करेगा और इश्यू भी नहीं होगा ज़्यादा लोगों को, हेयर हेल्दी रहेंगे, रूट्स हेल्दी रहेंगे। एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत 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 ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं गाइस, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, कोई कुछ और बोलेगा, डिपेंड करता है शॉप वाले को किस में कमीशन मिल रहा है और हर एक अलग अलग जवाब देगा आपको। और ये भी हो सकता है कि अगर चार शॉप्स में जाओगे और एक को बोलोगे कि अच्छा भैया पर मुझे तो इस बंदे ने ये वाला बोला था, तो वो बोलेगा अरे भैया ये सब है ना पैसे कमाने के लिए करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना ये बेस्ट है, और सब यही बोलेंगे आपको, सब के सब यही बोलेंगे ज़रूरत उसको ये वाले की ज़रूरत है, वो वाले की नहीं है, ये है वो है, पर मैं आपको आज बताता हूँ दी बेस्ट प्रोडक्ट। रुक जाओ, गाइस ये है प्रोडक्ट सैल्मन ऑयल, पर यही वाला, यही ब्रांड का, काफ़ी सारे बाहर मार्केट में आते होंगे, बट ये वाला बहुत ही अमेजिंग है, आई थिंक इससे बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में आता ही नहीं है। ये देखो बैठ गए, वैसे जैसे बहुत कम हेयर वाले होते हैं जैसे अपना बीगल, उनको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी उनकी क्वालिटी के लिए थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे मैं उल्फी को 2 ml देता हूँ सुबह शाम एंड जैम को मैं देता हूँ 1 ml सुबह शाम, और मैं इनको किस तरह से देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का ब्रश मैं चैम्प और उसके लिए, मतलब ये तरह का ब्रश मैं चैम्प के लिए यूज़ करता हूँ, और अगर आपके पास हस्की है तो उसको ये वाला ब्रश ही यूज़ करना, ये सबसे अच्छा रहता है उनके लिए। तो मैं ऐसे सीरिंज लेता हूँ जिसमें ml दिए हुए हैं 5 ml तक, इसका 2 ml मैं भरता हूँ फॉर वुल्फी, 1 ml मैं भरता हूँ फॉर चैम्प। वुल्फी सेट Down, good boy. चलो ले चैंप, ले बस गाइस इतना ही देना है। और उसके अलावा मेरे पास है ये टैबलेट्स, पेट टैब्स, ये है पूरी की पूरी मल्टी विटामिन, देख सकते हो आप, अ पैलेटेबल विटामिन मिनरल सप्लीमेंट फॉर डॉग्स, ये क्योंकि अभी इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये आपको देनी है इनको सिर्फ आधी आधी, और ये सारी की सारी गाइस मेडिसिंस या
कुछ भी हो, जैसे ये मैं सही रखता हूँ, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, कैलरेट है ये है वगैरह है। ये कोटला मैंने पहले लिया था, अब मैं नहीं देता हूँ क्योंकि सैलमन ऑयल जो मैंने आपको दिखाया उसके बेटर कुछ नहीं है। ये दो भी मल्टीविटामिन, ये कैल्शियम की है, बट अब मैंने ये सब देना शुरू कर दिया है तो सारा इसमें से अच्छी तरह से हो जाता है। और गाइज अगर आपको ये बाई चांस परचेज करना है आपके डॉग के लिए, अगर आपके ऐसा डॉग है जिसको फर और उसके क्वालिटी एंड बहुत अच्छी ज़रूरत है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर परचेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड ये देखो, इसको मेरा अभी डाटा था, बहुत नाटक कर रहा था, डाटा था, इसलिए मस्के मरना है, मस्के मरना है, तो मेरे को मस्के मरेगा। अब इनके खाने का टाइम है, आप जैसे देख सकते हो वहाँ पे पड़ा है खाना, बट अब तक इन लोगों ने खाया नहीं है क्योंकि अब तक मैंने इनको परमिशन नहीं दी है। एंड ये हैबिट डाल रहा हूँ कि जब उनको मना किया जाए तब नहीं खाना, क्योंकि उससे एक हैबिट और पड़ती है कि अगर आप लोग खा रहे हैं बैठे हो कहीं पे, अगर वो वहाँ पे आसपास डॉग्स है या आपके हाथ से कुछ गिर जाता है तो वो आपकी परमिशन के बिना ना खाएं। ये ट्रेनिंग इनको ऑलरेडी रेगुलर में दिए जाती है एंड दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी देनी चाहिए। उसके लिए सिंपल सा मैं पहले से सिखा रहा हूँ, जब टाइम छोटा था तब से, नो आ और थोड़ा डांटना, ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें जो आप अपने बच्चों के साथ करोगे, रियल ह्यूमन बेबीज के साथ, उनसे और इनमें कोई मेजर फ़र्क नहीं है सिवाय कि एनिमल्स है, पेट्स है एंड वो ह्यूमन है, वो अपनी लैंग्वेज समझ सकते हैं, ये नहीं समझ सकते, इनको अलग तरीके से समझाना पड़ता है, ये आपकी पिच समझते हैं, उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज आई होप आपको यह वीडियो आज का यूजफुल एंड काम का लगा हो, एंड तो फिर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, ऑल्सो गाइज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन मीन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर ब्लॉग्स आते हैं उसमें, एंड अगर रेगुलरली लाइव देखना चाहते हो रोज तो हिरन मीन लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करो। ये देखो बाहर चले गए लोग, चलो बाय गाइज।